हाय एवरीवन, सो आई एम रेडी फॉर कॉलेज। अब बस भी आ चुकी है, सो फाइनली आई एम रीचिंग टू कॉलेज। फाइनली अब कॉलेज तो आ चुके हैं, बट अभी मुझे जाना है कम्युनिटी पोस्टिंग पर। मैं कम्युनिटी पोस्टिंग पहुंच चुकी हूं और आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं और ऑर्गेनाइज करा है हमने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। रेडी फॉर द बिग डे। ये स्कूल है जहाँ पर हम आज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, प्रताप नगर में, जोधपुर के अंदर। तो यहाँ पे हमें पहले परमिशन लेनी पड़ी, उसके बाद उन्होंने हमें डेट्स दी, देन आज की हमें डेट मिली थी। तो आज हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे एंड आई होप इट विल बी सक्सेसफुल। और हम सब लोगों ने बिल्कुल प्रिपरेशन कर ली है एंड सारे स्टेशन्स रेडी हैं और हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बस स्टार्ट ही करने जा रहे हैं। और ये एक स्टेशन है जिसमें आप लोगों को मैं प्रोसीजर भी दिखाऊंगी कि RBS एस्टिमेशन और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, हम कम्युनिटी में कैसे करते हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को पता चल सके कि किस तरीके से हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं। एंड ये मेरा स्टेशन है जहाँ पर मैं ENT NI एग्जामिनेशन करूँगी और एवरीथिंग इज़ रेडी। सो अभी हम देखेंगे कि ब्लड शुगर एस्टिमेशन कैसे होता है। सबसे पहले मैम ने बॉस ने स्ट्रिप ली है और उसको ग्लूकोमीटर में लगाया है, देन उसके बाद प्रिक करेंगे और प्रिक करने के बाद जो ड्रॉप होगी उसको हम स्ट्रिप पर लेंगे एंड इट विल गिव यू द क्विक रिजल्ट्स। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय टेलक्विस मेथड। सो इसमें टेलक्विस पेपर लिया है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हमने ब्लड लिया है इस पर, और फिर हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो हमारा चार्ट है जिसमें कलर्स हैं और उसके आगे हमारे लिखा है कि कितना हीमोग्लोबिन लेवल है, उसके साथ हम उसको मैच करके देखेंगे। सो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पीस ऑफ पेपर पे हमने ब्लड ड्रॉप लिया है उसको अब हम कलर मैच करके देखेंगे स्केल से। सो जैसे कि 10 नहीं है, 10 से स्लाइट मैच कर रहा है, बट जो नेक्स्ट है दैट इज़ 12 इसके साथ कम्प्लीटली मैच कर रहा है। इट मीन्स द हीमोग्लोबिन इज 12 mg/dL। Finally done. I'm too tired. So yes friends, I'm back in college and done with my lunch. अभी मेरी ऑनलाइन क्लास है और मेरा टॉपिक है ऑक्सीटोसिक्स एंड टोकोलिटिक्स। सो ऑनलाइन इसीलिए बिकॉज मेरी एक ही कॉलीग है जिसको मुझे सेमिनार देना था, बट वो भी क्वारंटीन्ड है, सो इसीलिए ऑनलाइन मोड से मैं दे रही हूँ और 2 hours की क्लास है एंड आई हैव टू गो थ्रू दिस। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट वी हैव टू डू दिस। सो अभी मैं आपसे क्लास के बाद मिलती हूँ। सो गाइज, आई एम फाइनली डन विद द कॉलेज टाइम। आई एम रियली वेरी टायर्ड, मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बट यस अभी तो स्ट्रगल शुरू हुआ है। वी हैव अ होल बिग डे टू गो। शी इज वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड। कहाँ भाग रहे हो आप? यस प्लीज। फाइनली और टाइम हो रहा है हमारा, 5 बज रहे हैं और मैं अब फ्री हुई हूँ फ्रॉम कॉलेज। अभी वेट करेंगे बस का।
बस भी अपना टाइम लेती है जब तक आएगी, देन अराउंड 6 o'clock तक फाइनली मैं पहुंच जाऊंगी। चलो जब तक बस नहीं आती है तब तक मैं आपको थोड़ा सा लिटिल टूर दे देती हूँ आसपास का कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अराउंड क्या क्या है। सो सबसे पहले तो ये पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और अभी मैं जा रही हूँ आगे और वो आ गई हमारी बस, जिसका बहुत बेसब्री से मुझे रहता है इंतज़ार, क्योंकि 5 बजे के बाद इतनी थकान हो जाती है कि बस खड़े होना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। सो फाइनली नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। तो चलिए मिलते हैं आप घर पर। गाइज वी हैव रीच्ड, बट आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इतना सारा सामान है और मेरी बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं ऊपर तक भी जा पाऊँ, बट यस जाना तो पड़ेगा ही। सो कोई बात नहीं, इतना स्ट्रगल किया है तो इतना और सही। फाइनली मैं अपने क्वार्टर्स में पहुँच चुकी हूँ। आप लोगों ने लास्ट टाइम मुझसे क्वार्टर का टूर मांगा था, आई कैन गिव यू दैट इन दिस वीडियो, सो लेट्स गो। Here it is. थोड़ा सा kind of messy right now, but you can see. ये बाहर का room है, यहाँ पे पहले मेरी roommate रहती थी but now she is not here. उसकी government job लग गई है and I am very happy for her. और वो एम्स जोधपुर में ही है so मैं उससे मिल सकती हूँ। And this is Almira. और वो बाहर balcony है, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और ये हम सीधे चलते हैं। सो दिस इज आवर किचन, काइंड ऑफ फिर सा मैं कहूंगी थोड़ा सा मैसी है बट प्लीज इग्नोर बिकॉज मैं अभी अभी आई हूं एंड आई कैन नॉट डू, मैं अभी सफाई नहीं कर सकती। दिस इज आवर वॉशरूम्स और दिस इज माई रूम। एज यू कैन सी लिटिल क्यूट प्रिटी माई रूम। थोड़ा सा प्लीज इग्नोर द मैसीनेस, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं कर पाई सफाई। सो यस गाइस दिस इज माय रूम। एक्चुअली ये मैंने खुद डेकोरेट करा है, पहले ये बहुत बेसिक था बट नाउ इट हैज कलर्स बिकॉज आई हैव एडेड कलर्स इनटू माय रूम, आप देख सकते हैं। एंड सबसे पहले ये दिस इज अलमीरा यहाँ। एंड फाइनली अब मैं आपको दिखाऊंगी द लास्ट पार्ट और वो है बालकनी। सो लेट्स गो टू द बालकनी। बालकनी मैं बहुत कम जाती हूँ बिकॉज अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो इसलिए सफाई मैं ज्यादातर नहीं कर पाती हूँ। सो दिस इज द बालकनी, यू कैन सी बालकनी बहुत बड़ी है एंड बहुत अच्छी है। हियर इट इज एंड वी डू एंजॉय हियर। और मैंने पर्पजफुली ये रूम लिया था बिकॉज ऑफ दिस ट्री, बिकॉज इस ट्री की वजह से गर्मी नहीं आती एंड थोड़ा सा यहाँ पे सुकून रहता है। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है आई मस्ट से, जोधपुर इज वेरी गुड इन ऑल एस्पेक्ट बट जोधपुर में एक्चुअल में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सो नेक्स्ट जो भी आप लोग एमएससी का एग्जाम देंगे, एवरीबडी मैं सबको कहूंगी कि प्लीज अपनी पूरी प्रेपरेशन करके यहाँ पर आए गर्मियों के लिए, स्पेशली ऑलवेज हैव अम्ब्रेला और जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है, आप सनस्क्रीन और एवरीथिंग कि अपना पूरा प्रिपेयर करके आप लोग यहाँ पर आएँ। एंड रेस्ट आपको मैं दिखा चुकी हूँ, रेस्ट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली वेरी नाइस। सो एक बेस्ट पार्ट हो रहा है यहाँ का दैट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ, यहाँ का सनसेट। एंड वो थोड़ी देर बाद देखेंगे जब सनसेट का टाइम हो जाएगा और वो मैं आपको टेरिस पर ले जाकर दिखाऊंगी। ओके गाइज तो मैं चेंज कर चुकी हूँ
और इतनी गर्मी है दैट आई नीड टू रिलैक्स. सो मैं अभी थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, आई एम जस्ट चिल, और फिर मैं आपको लेके चलूंगी मेरे फेवरेट स्पॉट पे, दैट इज़ माई टेरिस, जहाँ से मैं रोज़ सनसेट का मज़ा लेती हूँ. एंड दैट इज़ द बेस्ट सनसेट, नॉट बेस्ट, ऋषिकेश इज ऑल्सो हैविंग सो मच, मतलब एपिक सनसेट, बट या अभी के लिए दिस इज बेस्ट फॉर मी. लेट्स गो गाइज, टेरिस और मेरा आज का लास्ट स्टॉप, और मेरी कॉफी तैयार है. दिस इज माई फेवरेट मग सो फार बिकॉज दिस इज गिफ्टेड ऑन माई बर्थडे. और ये पहुंच चुके हैं हम टेरिस पे. यू कैन सी दूर दूर तक, मतलब यहां पर मतलब इतनी शांति रहती है कि आई कैन स्पेंड सम अलोन टाइम विद माई सेल्फ, और यू कैन से मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हूँ, और ये मेरे पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता है. और ये जोधपुर है, आई वुड से गाइज कि आप लोग जितना मुझे प्यार देंगे, आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, आप लोग जितना मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, उतना ही मैं आप लोगों के लिए नया कंटेंट ला पाऊंगी. बिकॉज इससे क्या होता है कि पर्सनली भी हमें, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल से वीडियो बनाऊं और किसी तरह उसको एडिट करूं और अपलोड करूं. सो इट्स अ होल हेल लॉट ऑफ अ वर्क. सो मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं मांगूंगी, बट अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, या फिर आपको लगता है कि आपकी किसी काम की है, या फिर आपको पसंद आती है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट. एंड जिसने वीडियो पूरी नहीं देखी है वो जाए और वीडियो पूरी देखे, बिकॉज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी मैंने दिखाई हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है, हम कम्युनिटी में कैसे करते हैं, एंड आरबीएस कैसे लेते हैं, और ईएनटीआई एग्जामिनेशन आई वाज परफॉर्मिंग, हम लोगों ने आज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था, एंड उसके बाद देन आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आई हैव गिवन टूर ऑफ माय रूम आल्सो. सो प्लीज डू चेक आउट माय होल वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे, बिकॉज अब मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ, एंड आई रियली डू हैव टू टेक रेस्ट नाउ. सो सी यू सून गाइज, बाय बाय.